यूपी पुलिस के लगातार एनकाउंटर ने अपराधियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया हो, मगर बुलंदशहर में एक शातिर अपराधी ने डिप्टी एसपी की सरकारी गाड़ी को चोरी कर लिया है। जानकारी के अनुसार डिप्टी एसपी के हमराह उनकी सरकारी गाड़ी को धुलवाने के लिए लेकर गए थे, जहां शातिर चोर ने मौका पाकर डिप्टी एसपी की गाड़ी को ही चुरा लिया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिबाई के दौलतपुर चौकी क्षेत्र से आरोपी को गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह की ये घटना है। मेरे हमराह ने फोन द्वारा ये सूचना दी कि आपकी सरकारी गाड़ी किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली है, और इस सूचना पर थाना पुलिस, पीआरडी और मेरा हमराह गाड़ी की तलाश में जुट गए, और इसी क्रम में गाड़ी दानपुर क्षेत्र में, जो थाना डिबाई के अंतर्गत लगता है, पीछा कर पकड़ ली गई। मुलजिम मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भले ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी गाड़ी को ढूंढ निकाला हो, मगर जिस तरह से आरोपी सरकारी गाड़ी को ही चोरी कर दिया, उससे पुलिस पर काफी सवाल उठने लगे हैं। बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।